दो तीन दिन से आप भी नोट कर रहे होंगे कि मैं भी अब अपनी स्वेट डालकर यहाँ पर आने लग गया वीडियो में, और मैंने अपनी जो हाफ बाजू वाली शर्टें थी वो अब नहीं डालता, क्योंकि जाहिर सी बात है ठंड आ गई और मैंने अपनी बॉडी को बचाना है। लेकिन हमने यहाँ पर अपने लिए तो सोच लिया, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम इन सभी के लिए इस समय क्या ठंड से बचाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। तो पहली नज़र मैं आपकी इधर मरवाना चाहूँगा। ये देखिए, हमने कल ही इन सभी को ठंड से बचाने के लिए ये तरपाले इधर डाल दी हैं, और जिसके कारण अभी यहाँ शेड में काफ़ी हद तक अभी गर्माहट सी हो गई है। और दिन में क्या करते हैं हम, जो भी हमारे बैल बछड़े गाय इधर के होते हैं, हम उनको इधर धूप में निकाल देते हैं, जिसके कारण ताकि उनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे और थोड़ी बहुत ही उनको धूप भी मिलती रहे। आइए मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ, ये सभी बैल बछड़े गायें इधर फिलहाल के समय ये सभी इधर बैठे हैं। और रात को हम क्या करते हैं, इनको जाते वक्त यहाँ से हम सभी को इधर ही निकाल देते हैं। दूसरी बात, हमारी क्या आप सभी की एक आदत तो बनी ही होगी इन सर्दियों के दिनों में रजाइयों और कंबलों में घुसने की, तो हम भी जाते वक्त इन सभी पर कंबल ओढ़ कर जाते हैं ताकि इनको और गर्माहट रहे। फिलहाल के टाइम इन किसी के ऊपर भी कंबल नहीं है, क्योंकि जो कंबल है हमने बाहर धूप में सुखाने के लिए डाले हुए हैं। फिलहाल के समय हम इनको ये नॉर्मल पानी ही पिला रहे हैं जो टंकी वाला होता है, लेकिन इन अगले 5-10 दिनों में हम इनको गर्म पानी भी पिलाना स्टार्ट कर देंगे। और शेड में और ज़्यादा गर्माहट करने के लिए हम, आप देख सकते हैं जी, हीटर भी हमने बाय किए हैं। इनका सेटअप भी प्रॉपर 2-4 दिनों में हम अंदर कर देंगे। तो ये सारे इंतजाम थे जो हमने इन सर्दियों में कर रखे हैं ताकि इन सभी को इस ठंड से प्रोटेक्ट किया जा सके। और मैंने आपको ये सारे हमारे इंतजाम समझाने जरूरी भी थोड़े समझे। बाकी आप हमें कोई और, आपको लगे कि हमारे इंतजाम में कोई भी और कमियां, आप हमें नीचे कमेंट में सुजेस्ट भी कर सकते हैं।